अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आसफ। तुसी वेखन डे यूट्यूब चैनल पेंडू विलागर। ते जनाब सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता वगैरह कर लिया। ते आज मैं तकरीबन 3-4 दिन तो बाद कैमरे के सामने आ रहा। उसकी वजह है कि यार मैं एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पर, तो जी वीडियो बड़ी वायरल हुई, तकरीबन 35-40 हज़ार व्यूज़ आए उत्ते एक दिन दे विच। ते ओ किसे वजह तो ना यूट्यूब वाले ने डिलीट कर दी, किसी बंदे रिपोर्ट की या जो भी, वो वीडियो मेरी डिलीट हो गई। उस तो बाद ना ऐसी परेशानी हुई, ऐसा दिल खट्टा आया ना, 2-3 दिन तू मैं कैमरे के सामने आया ही नहीं। तो आज फिर सोचा कि चलो वो डिलीट हो गई तो कोई नहीं, कोई होर वायरल हो जू। तो हुण जनाब असी जा रहे हैं, क्योंकि तुहानू पता सर्दियाँ आ गई, तो सर्दियों के वास्ते मोटे बालन की जरूरत होंगी है। तो अपनी जमीन दे विच किकर वड्या सी, कुछ तो नीम कल लाया सी, कुछ रह गया। तो हुण जा रहे असी वो किकर चुकन, नीम भी चला गया नाल, एक मुंडा हो रहा उन्हें जाके वो कट के टोटे कर दिते ने। तो हुण उहदा फोन आया कि आज उन्होंने लद के तो कर लिया जी। तो हुण मैं भी जा रहा उधर, पिछे शबीर भाई भी आ रहे हैं। तो हुण जाके पहले वो दरखत नूं टोटे किए ने, उन्होंने लदने किसी चीज़ के बच्चे उन्होंने लैके उन्हें घर, क्योंकि सर्दियों के मोटे बालों की अशद जरूरत होंगी, उन्होंने बालेंगे। तो मैं रस्ते दे विच खलो के तो मैं सोचा व्लॉग स्टार्ट कर लीए। तो 3-4 दिन तो मैं वैसे नहीं सा कैमरे सामने आया, तो हुण चल के तो पहले किकर ला दे लिए, तो उन्होंने चुक लीए कार, तो उस तो बाद फिर टेल वाले भी जाना, तो फिर अगली रूटीन जो भी है तो शेयर करांगे। तो मैं पहले निकल आया, तो पिछे आ रहे हैं नईम भी, तो शबीर भी, साढ़े पिंड दा रजवा पानी चल रहा। नईम आ रहा वो सामने खलोती अपनी मोटरसाइकिल, वो किसी होर दी बजाई हो रही ना सामने, खाद पा रहा है जी। दोस्तों उत्थे पहुँच आए हैं, वो सामने पया बालन, वो सामने किकर जड़ी छांगी। वो सारा कट्ठा करके बालन इधर लियावांगे, इधर रिक्शे ते लद्दांगे। मैं सारा बालन पैन आस्ता आस्ता ला देने सारे। रक्षे तो कुछ बालन लद लिया, भाई नहीं मुत्ते चढ़िया, उधर वाला सारा आ गया। कुछ आ पिया दीवार के नाल, ये भी साडा है, भी चुक के खड़ना। तो जी जनाब बालन वगैरह लैके असी आ गए घर, सारा समान सी लिया घर। तो हुण लगी भुख, तो खाना पक रहा हुण खाने खाना। तो उस तो अलावा अलमारी जड़ी सेल कर दी सी, वो चली गई, समान सारा पिया बाहर। तुम दस्या सी उहदी जगह ते लक्कड़ दी वड्डी अलमारी बननी दित्ती है, तो वह हुणे हुणे गल होई मिस्त्री दे नाल, कल का वादा सी, कल तो उन्होंने नहीं दित्ती, अज उन्होंने आख्या जी तैयार हो जूगी 4 बजे तक। तो हुण खाना छाना खा के 4 बजे चल के तो अलमारी लैके आने, क्योंकि समान सारा बाहर खिल रहा, उन्होंने लिया के फिर इतने फिट करने समान जोड़ा सारा पिया ना अलमारी वाला, ये वे रखा जी। दोस्तों खाना छाना खा के उत्तू लाई चाह न चुस्की, तो नींद की पूरी घंटा डेढ़ सुता, तो खाना छाना खा के हुण होया फ्री।
ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਲਮਾਰੀ ਤੇਰੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਅਲਮਾਰੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਫੌਤਕੀ, 4:30 ਵਜੇ ਜਨਾਜ਼ਾ, ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਲਮਾਰੀ ਚੁੱਕਣ। ਅਤੇ ਅਲਮਾਰੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਸੁਬਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਸੁਬਹਾ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਕਾਨ ਵੱਲ, ਉੱਥੋਂ ਕਰਨੇ ਨਈਮ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਈਮ ਲੱਗਦਾ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕਿ 6 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਅਲਮਾਰੀ ਚੁੱਕਣੀ, ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਉਹਦਾ। ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੁਕਾਨ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜਨਾਜ਼ਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਮਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸੁਬਹਾ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਸਤਾਦ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਪੇਂਡੂ ਵਲਾਗਰ ਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਮਾਮ ਦੋਸਤ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।